तो जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ पॉइंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। और इसमें यदि आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप पढ़ने का जो समय है वो सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक जरूर पढ़िए। जो ये 3 घंटा होता है ये कहा जाता है ये ब्रह्म मुहूर्त होता है और ये आपके दिन में पढ़े हुए 9 घंटे के बराबर होता है। तो आप इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा और इस पे जरूर पढ़िएगा सुबह उठ के और दिन में भी पढ़िए। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है हमारा कि यदि आप पढ़ते हैं तो पढ़ते समय बीच में क्या करिए, आप ब्रेक जरूर लीजिए। और ब्रेक लीजिए तो इसमें आप खेल कूद से संबंधित आप खेल कूद सकते हैं, प्लेइंग कोई भी खेल खेल सकते हैं, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है। तो जिससे आपकी बॉडी भी आपका क्या रहे, एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज भी होती रहे। और अगला पॉइंट ये है कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने सामने डिस्ट्रैक्शन जैसी चीज़ों को आप दूर रखिए, जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो, अर्थात आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप जैसी इन सब चीज़ों से आप क्या सोशल मीडिया से दूर रहिए, ठीक है। और एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन, यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूर्य की तरह जलना होगा। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए दोस्तों, आप मेहनत तो आपको करनी है,